हेलो गाइस, तो अगर आप भी गिव अवे का गिफ्ट जीतने के लिए आए हो मेरे चैनल पे, तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना। इस वीडियो के बीच में कहीं पे भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन हम इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, और जिसका सही जवाब हुआ उसमें से किसी एक लकी विनर को मिलेगी अल्ट्रा वॉच, तुम्हें तो पता ही है। तो भाई, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऋषिकेश हम क्यों आए, तो किसी ने अगर पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो मेरी मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस वजह से अब हम ऋषिकेश आए हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा प्योर हवा उनको मिले, योगा वगैरह करके वो जो है ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। तो इसलिए हम ऋषिकेश आए हैं, और अभी नहीं पता कितने दिन के लिए आए हैं, कितने महीनों के लिए आए हैं, बट आए हैं और थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए आए हैं। तो बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे यहाँ से ही, और देखते रहना यार सब व्लॉग्स, मज़ा आएगा व्लॉग्स देखने में, और बाकी सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे बताऊँगा अगले व्लॉग्स में। तो यही था, इसीलिए हम आए थे, और अगला व्लॉग भी जल्दी आएगा। फिर मैगी बन के आ गई है, और सुबह सुबह मैगी खाने का मेरा इतना मन नहीं है, बट आ गई है, तो एक आध बाइट खा लेंगे। सूटी वॉशरूम में है, और बाबूजी अभी तक सोए पड़े हैं। तो बाहर ना बहुत ओस है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ओस। तुमने देखी होगी बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ी धूप निकलेगी तो बाहर चलेंगे। यहाँ से गंगा भी बह रही है बिल्कुल पास से, वो भी मैं दिखाऊंगा, थोड़ी सी धुंध क्लियर हो जाए फिर ही दिखा सकता हूँ सब कुछ। तो बने रहना व्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला गाइस, और इस व्लॉग में कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है, तुम्हें पता ही है गिव अवे वाला, तो कमेंट में वो आंसर करना, तो गिफ्ट भी तुम्हें मिलेगा। तो गाइस, ऑलमोस्ट 12 बज गए, मैंने नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और आज रिद्धू का बर्थडे है, तो वो लोग भी आ रहे हैं यहीं पर हमारे पास ही, और फिर बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे रिद्धू का। और ये देखो मेरा बैग, मैं ना पूरा बैग भर के ले आया था, सारा गिव अवे वाला जो भी चीज़ें थी, मैंने कहा अगर मेरे को यहाँ से भी कोरियर करनी पड़ी तो मैं कर पाऊँगा, अगर मैं घर छोड़ के आता तो फिर मैं कोरियर वगैरह नहीं कर पाता, तो मैं पूरा बैग भर के ले आया था। ये देखो पूरा बैग भरा पड़ा है, ये अल्ट्रा वॉचेज वगैरह सब इसमें भरी पड़ी है गिव अवे के लिए। तो ये कि अगर हम रोज़ का एक भी करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, और तब तक मैंने और भी ऑर्डर कर रखे हैं, तो तब तक वो भी आ जाएंगे यहीं पर, तो थोड़ा टाइम लगेगा आने में, और हो सकता है तब तक दिल्ली भी चले जाएँ, तो पता नहीं। और मैंने सोच लिया कि अब ना मैं हर रोज़ एक क्वेश्चन पूछूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, इस वाले पे, तो आपको हर रोज़ वीडियो देखनी है जीतने के लिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, और आप लोगों को भी मेरी तरफ से गिव अवे मिलते रहेंगे, तो दोनों का काम चलता रहेगा। तो अब देखेंगे क्या करना है, शाम को तरु अभी नहा रहे हैं और रिद्धू हर आ रहे हैं, फिर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और देखना मज़ा आएगा इस व्लॉग में भी। और गाइस, जो भी विनर हुआ करेगा ना, वो भी हम यहीं यूट्यूब पे ही अनाउंस करा करेंगे अगले दिन, जैसे हमने कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका हम इस वीडियो में अनाउंस करेंगे विनर, और जो आज पूछेंगे उसका कल वाली वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो हर रोज़ ऐसे चलेगा, विनर अगले दिन यानी 24 घंटे बाद हम अनाउंस करा करेंगे, और ट्राई करेंगे कि 11 बजे के आसपास हर रोज़ व्लॉग आ जाए, तो रेडी रहना हर रोज़ 11 बजे व्लॉग देखने के लिए, और एक गिव अवे वॉच जीतने के लिए। और ज़रूरी नहीं है हम वॉच ही, आगे हम चीज़ें चेंज भी करेंगे, अल्ट्रा वॉच की जगह कुछ और भी लाएंगे, और अगर व्यूज़ अच्छे आ गए तो फिर आईफोन वगैरह भी लेकर आएंगे, सारी चीज़ें गिव अवे में चलेंगी। मैं तो बाहर बैठा हूँ, यहाँ मैडम अकेले अकेले चल रही है मूंगफलियाँ, मैंने तो एक भी नहीं खाई। ये देखो भाई, बाहर बैठे थे तो आप यहाँ व्लॉग कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो? यहाँ व्लॉग इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आके मैंने जब देखा कि क्या चल रहा है ना, तशु मम्मी अकेले अकेले मूंगफली खा रही थी, मैं तो इतनी देर से, ये तो बता रहे हैं कौन खा रहा था अकेले अकेले, दादा है अकेले अकेले मूंगफली कौन खा रहा था, तश खा रहा था, चल जा माफ किया, जा माफ किया। और मोटू नहा लिया यहाँ आती, ओए ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, देख लो कैसा लग रहा है, कमेंट करके बता देना मोटू कैसा लग रहा है नहाने के बाद, मोटू कैसा लग रहा है नहाने के बाद, आगे की लाइन तुझे बोलनी थी, समझते नहीं भाई, देखो बाहर कितनी तेज हवा चल रही है, धूप भी है, धूप भी और हवा भी चल रही है, और हवा भी है ना, क्यों क्यों रेडी, रिधान सर पहुंचने वाले हैं, तो रिद्धू का आज बर्थडे मैंने बताया भी था, तो हम सोच रहे हैं कि उसके लिए जाके कहीं से केक वगैरह और थोड़ी अरेंजमेंट कुछ कर लेते हैं, अभी हमें नियर बाय कुछ भी नहीं पता, तो मैप में देख के निकलेंगे अब, चले ना, तो अब चल रहे हैं हम। और ये देखो ये रही गंगा बिल्कुल होटल के पास, ये रही, कमेंट करके जरूर बताना लोकेशन आप सबको कैसी लगी है। तो हम जा रहे हैं अब केक लेने के लिए, रिधांश का केक, और बर्थडे सरप्राइज देंगे, तो देखते हैं क्या मजा आने वाला सरप्राइज में। और चलो कहाँ जा रहे हैं हम, दशु बता दो सबको, केक लेने जा रहे हैं यार, ये लोग ना इतना लेट कर देते हैं, अभी तक नहीं आई, देख लो स्वीटी तब से हल्ले मचा रखे हैं, चलो 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 चलो, अब मैं निकल गया तो कोई भी नहीं आ रहा, फिर कहते हैं लड़ाई हो गई, ये लड़ाई कर रहा है ना, तो देखते हैं केक की शॉप कहाँ मिलेगी, तो चलो लेट्स गो, चले दर्रू, चलो मम्मी खड़े होकर बनवा रही हैं। तो गाइस ये देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है हमारी गाड़ी से, साइड में गंगा और इधर हमारी गाड़ी चल रही है यार, ये मस्त औसम है, मस्त है ना, औसम व्यू, डक दिख गई इसको, तशु डक है वो सारी, तो डक ही तो बता रहे हैं इसको, क्लियर नहीं है पत्थर, हां सेम होते हैं, पर ये भी तो पार्ले जी के ही है।
तो अभी हमें केक की दुकान पे आया था, हमें यहाँ केक तो पसंद नहीं आया, तो हमने ये जरूर ले लिया यहाँ से पार्ले जी का बिस्किट चाय के साथ खाने के लिए। इसे गाड़ी में ना रखूँ पहले, चलो दूसरी दुकान देख रहे हैं अब कहाँ मिलेगी, फिर वहाँ से लेंगे। ये देखो कैसा रास्ता है, एक ही गाड़ी निकल सकती है वो भी बहुत धीरे धीरे, बस गाड़ी गाड़ी निकलने की जगह है यहाँ पे, बस आगे भी स्पेस हो, आगे भी स्पेस भी कम हो जाए। तो चलो यहाँ से तो गाड़ी निकाल ली हमने जैसे तैसे। रास्ता देखो कैसा, कितना डरावना, ऊपर नहीं जाएगी ना, ठीक है वही आगे जाके रास्ता ना बहुत खतरनाक सा आ गया था, तो हमने गाड़ी वापस ही मोड़ ली, गाड़ी आगे शायद जा भी नहीं पाती, तो हम वापस जा रहे हैं नीचे। वो बेकरी हमारे को अभी तक नहीं मिली, अब हम दूसरी बेकरी ढूंढेंगे यहाँ से बाहर निकल के। तो ये वापस वही पुली आ गई है, तो यहाँ से अब धीरे से बाहर निकालते हैं गाड़ी। बेकरी सब भी घर के अंदर ही है, होम बेकरी कुछ इनकी, इस पे तो क्या ही मिलेगा। तो यार हम ये वाली लोकेशन पे मैप के थ्रू आ गए, बट यहाँ पे देखो कोई केक की शॉप ही नहीं, दूर दूर तक मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे घर है कोई केक की शॉप नहीं है दूर दूर तक, और देखो हम कहाँ आ गए, और इस पे दिखा रखा है ऐसे ऐसे केक्स हैं, ऐसे ऐसे केक्स दिखा रखे हैं और अराइव आ रहा है, बट यहाँ कुछ नहीं है, तो अब गाड़ी वापस मोड़नी पड़ेगी। फाइनली हमें एक शॉप मिली है जो थोड़ी अच्छी और बड़ी शॉप है, तो हम यहीं से लेंगे, और तरस हो गया गोदी में बैठे बैठे ही, तो यहाँ से अब हम लेंगे। रितु का ड्रीम था डेस्टिनेशन बर्थडे, रिदांश का ड्रीम था डेस्टिनेशन बर्थडे मनाना, और वो अब उसका हो ही गया पूरा, आ ही रहा है वो, पहुंचने वाला है, तो यहाँ से लेंगे अब हम केक। यहाँ ठीक है केक, आपको बोलो तो इसको तो 5-7 मिनट में रेडी करके दे दूंगा, ऐसे बना के इसको। हाँ तो यही ले ले यार, तो यही करवा दो, इसके ऊपर बॉल लगाने, तो बॉल लगा दे। हाँ वो बॉल से ही लग रहे हैं। हाँ तो बॉल बॉल लगा देना, ये करवा दो, वो वाले बॉल लगा तो भैया ने बोला केक 5-7 मिनट में रेडी हो जाएगा, और जब तक केक रेडी हो रहा है हमने सोचा हम खा लेते हैं बैठ के चाउमीन, खाएगी ना चाउमीन, तो भैया की स्पेशल चाउमीन है यहाँ पे लक्की चाउमीन, तो वही हम ऑर्डर कर रहे हैं हम, मतलब वो तो खाएगा नहीं, सो गया। ओए इधर पुराने पुराने नोट्स सारे, वाओ ये तो हमने भी देख लिया, ये मेरे पास नहीं, ये नहीं पड़ा, 2000 का पड़ा जो बंद हो गया मेरे पास। तो हम प्लान कर रहे हैं कि रिद्धू को यहीं पे लाके केक कटवा दे, क्या पहले से भैया का सेटअप रेडी है, और ये सब एग्री भी कर रहे हैं, बट भैया प्रॉब्लम ये है चाउमीन देख लो भाई आ गई है, बढ़िया है चाउमीन, है ना। हाँ, चाउमीन बहुत अच्छी है, वेजिटेबल्स है और बहुत टेस्टी है, पनीर ही पनीर है ऊपर के। तेरे को कैसी लगी, सही है, चलो बढ़िया है, गुड ऑल गुड। तो केक भैया ने रेडी कर दिया है 7-8 मिनट में, थैंक यू भैया, कर दो पैक इसको, और केक बढ़िया बना है, सही लग रहा है ना, मस्त। इसके ऊपर हमको ले ले ऐसे वाला जो लगा हुआ है, मस्त बना एकदम, ऐसी ठीक है यार। तो केक वगैरह सब कुछ हमने ले लिया है, और रिद्धू और बहन भी घर पे पहुंच गए हैं, हमने सोचा था उन्हें सरप्राइज देंगे, लेकिन वो लोग तो हमसे पहले ही पहुंच गए हैं, तो अब लेट्स गो चलते हैं हम, और सरप्राइज तो बचा नहीं है, क्योंकि देख ही लेंगे हम क्या क्या चीजें लेके आए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लल्ला, हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्ते मौसी जी, नमस्ते। कैसा लगा रास्ता, कैसा रहा, और बहन क्या हाल है तेरे, हाय फाय मुक्का, गाड़ी चला के आई तो बढ़िया। इट्स टी टाइम, अब चाय पीने का समय हो गया पार्ले जी, जो हम लाए थे अब इस चेयर पे बैठ के पियेंगे, यहाँ बहुत सारी लोकेशन है, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो इस अपार्टमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस। और बर्थडे का क्या प्लान है ब्रो, अभी तो कोई प्लान नहीं है, अभी कोई प्लान नहीं है, पता नहीं बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, देखते हैं क्या होगा, बता दिया ब्रो, इसको हैप्पी बर्थडे कमेंट कर सकते हो, मैं पागल हूँ, हमें पता ही है बता क्या रहा है। तो पार्टी शुरू हो चुकी है, तैयारी शुरू हो चुकी है पार्टी की, ये देखो कोई झालर लेके खड़ा है, कोई स्टार लेके खड़ा है, जो मोटे लोग हैं जिनके पेट में ज्यादा हवा है वे गुब्बारे फुला रहे हैं। ये देखो जिनके पेट में ज्यादा हवा है और जिनके में बहुत ज्यादा हवा है वे गोल्डन गुब्बारे फुला रहे हैं। ये रहा, और ये छोटे छोटे बच्चे इधर से उधर देख रहे हैं हम क्या करें। तो गाइस कल जो क्वेश्चन पूछा था उसके विनर है पब्लिक अंडरस्कोर सुपर अंडरस्कोर चैनल, तो आपको मैंने कमेंट कर दिया है, आपका कमेंट भी पिन कर दिया यूट्यूब पे, तो उस पर आप अपना रिप्लाई कर देना जो मैंने पूछा। और आज का जो सवाल है ये अल्ट्रा वॉच जीतने का
वो स्वीटी पूछेगी, और ये हम इंस्टाग्राम पे पहले भी पूछ चुके हैं, बहुत सिंपल है। तो इस इमेज और इस इमेज को जोड़कर कौन सा डे बनेगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर करना और वीडियो पूरी देखनी है ये। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाई, तो सब्सक्राइब रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप कमेंट करो। मैं पहले बता दूं ये गिव अवे यहाँ यूट्यूब पे हर रोज आएगा, तो रोज वीडियो देखना, रोज एक लकी विनर होगा। तो आज जिसका चांस नहीं है उसका कल आ जाएगा, जिसका कल नहीं है उसका परसों आ जाएगा। यस, तो गाइस आज की कुकिंग चल रही है यहीं पे खुद से, देख लो इन्होंने सारे मसाले खत्म कर दिए इनके अपार्टमेंट वालों के इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, मतलब हमें एक बार देने के बाद कोई सोचता होगा अगली बार रेट बढ़ा के। ऐसे लोग आए हैं, टोपी पहन लो। तो फाइनली डिनर इज रेडी गाइस, बहुत तेज भूख लगी थी और अब खाएंगे हम खाना, और दाल बनी है, चावल बने, भिंडी की सब्जी, रोटी सब ये बना। ये कांच गुद अबे मोटे। तो अब मैं पहले खाना खा लेता हूँ, फिर आगे ब्लॉग बनाऊंगा। मोटे तू उधर हो जा। तो गाइस बर्थडे केक रेडी है, ये देखो ये रहा बर्थडे केक, और रिधांश की खींच रही है फोटोज। मैं थोड़ा कैमरा साफ कर लूं। हाँ तो रिधांश की खींच रही है फोटोज, और पीछे पूरा डेकोर हमने कर दिया, देखो कैसा लग रहा है गाइस। तो अब होगी केक काटने की सेरेमनी, 1 2 3 केक कटवाओ सबको, बिना कैंडल के कटता ब्रो, तू बड़ा हो गया, लगाओ हाथ, रुक जा। हैप्पी बर्थडे टू यू, उसके ऊपर मत गिरो, हैप्पी बर्थडे डियर रिदु, हैप्पी बर्थडे, कटोरी ले भगवान जी को, रुक जा हाथ मत लगा अभी, बस छोड़ दो वहीं, छोड़ दो भगवान जी को खिला दो पहले, हैप्पी बर्थडे, रुक जा। खिला, वेरी गुड, मामी को खिला दे, पता नहीं टेस्ट तो कैसा होगा केक का, बट हाँ जहाँ से लाए बहुत दूर से लाए हैं। रात के 10 बजे ये सामान दिलाने लाए, दुकान बंद ही हो रही थी भैया की, ब्रेड मिल्क इतना सारी चीजें ले ली इन्होंने, और कुछ लेना तो बता दो। दही है भैया, दही भी है, मैं कह रहा हूँ भैया जाने नहीं देंगे आपको, ये बताते रहेंगे सामान। तो रात के बज गए हैं 10 से ज्यादा 11, ये देख लो पूरे 11, ये अलग रूसा खड़ा है, इन सबकी डिमांड अलग अलग है, किसी को किसी कमरे में सोना, किसी को किसी कमरे में, सोने की सेटिंग बननी वाली है, ये जमीन पे भी 2 गद्दे लगे हुए हैं, और ये बाबू जी रात को कोई कोई खा रहे हो, क्या खा रहे हो आप ये, केक जस्ट स्वीटी को दिखा के मुंह, स्वीटी को दिखा के अपना मुंह बता के केक खाया है, देख लो। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगली वीडियो में फिर से हम करेंगे एक नया गिव अवे एक नए व्यूअर को, तो सब्सक्राइब जरूर रखना चैनल को, हर रोज एक नया गिव अवे होगा। बाय गाइस, लव यू, गुड नाइट।